हेलो गाइज, कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो यहाँ मैं आज लग पड़ी हूँ किचन के अंदर आकर काम। मैं बना रही हूँ आज दाल, क्योंकि ना काफ़ी दिन हो गए और ना सब्जियाँ अच्छी नहीं लग रही थी, गर्मी पड़ रही है ऊपर से, तो सोचा आज दाल बना ली जाए। और बाहर तो मौसम भी बहुत अच्छा हो रखा है, फिर यहाँ ना मेरे बर्तनों को थोड़ा सा इग्नोर करना, क्योंकि बर्तन बहुत ज़्यादा हो गए हैं। अब यूट्यूबर हुआ, यूट्यूबर की लाइफ तो ऐसे ही बिजी रहती है, मैं क्या ही करूँ। तो पहले मैंने सोचा दाल चढ़ा देती हूँ फटाफट से, तो मैंने यहाँ ना तड़का वाली दाल नहीं बना रही हूँ, अलग से सीधा तड़का डाल के फिर दाल बनाऊँगी। तो यहाँ मैंने तेल डाला और मैंने यहाँ आसमान, मतलब तेल जब तक गर्म होता तब तो मैंने सोचा आपको बाहर का व्यू दिखाती हूँ। तो बाहर ठंडी हवा और बारिश, मतलब इतना अच्छा मौसम हो रखा था ना, तो किचन में जाने का तो मन ही नहीं कर रहा था, जी कर रहा था बस बाहर ही खड़े रहे ठंडी हवा के अंदर। मेरा तो जाने का मन नहीं किया। अब फटाफट मैं अंदर आई, देखा तेल आ गया था, फिर मैंने जीरा डाला, फिर मैंने डाले प्याज, टमाटर, हरी मिर्च, ये मैंने पहले ही काट लिए थे बारीक बारीक। मैं ऐसे करते जैसे मैं काट लेती हूँ, फटाफट काम सलटाना होता है उस हिसाब से कर लेती हूँ, क्योंकि यह यूट्यूब का काम करना होता है, फिर किचन का, घर का सारा, इतना मतलब बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाती है। और यहाँ पे मैं लहसुन की ना क्लिप लेना भूल गई थी, लहसुन मैंने एक्स्ट्रा डाल दिया वो बाद में, मतलब कटिंग करके। उसके बाद मैंने जो नॉर्मल डेली यूज में जो मसाले यूज करते हैं, नमक मिर्च मसाला, वो डाल दिया। मसाला नहीं डाला मैंने, धाना डाला, ठीक है। ये बात मैं मसाला मैं यूज़ नहीं करती हूँ, मसाला मैं कुछ कुछ सब्जियों में यूज़ करती हूँ, जैसे कोई चने की सब्जी होगी, मटर पनीर की सब्जी होगी, मतलब इन मेन मेन सब्जियों में करती हूँ, बाकी नॉर्मल सब्जी उस पर मतलब मैं धाना ही डालती हूँ पिसा हुआ। फिर यहाँ धनिया लाया हुआ था, तो मैंने सोचा धनिया बारीक बारीक काट के इसको भी धोकर अच्छे से रख देती हूँ, फिर दाल बन जाएगी तो मतलब उसमें डालने के लिए काम आएगा। तो यहाँ ना मैंने फटाफट से इसको काटा और इस बर्तन में मैंने इसको डालकर और फिर फटाफट से इसको अच्छे से वॉश किया। और मैं आपको फिर से कह रही हूँ बर्तनों को इग्नोर करना, हर बर्तन के लिए मुझे कमेंट मत करना, क्योंकि सुबह से ही हुए पड़े हैं, क्योंकि मैंने काफ़ी बर्तन वीडियोस बनाई थी उसके, हो गए कुछ, हमने थोड़ी देर दोपहर में कुछ चाय पानी नाश्ता किया था उसके बर्तनों के, तो फिर मुझे टाइम ही नहीं मिला, मैंने सोचा अब खाना बना के सीधे इकट्ठा ही मार दूँगी। तो यहाँ मेरा मसाला अच्छे से भुन गया था, अब बारी थी, मैंने दाल को भी अच्छे से धो लिया था, धो के अच्छे से पानी निकाल कर फिर मैं इसके अंदर डाल दूँगी। मैं ये मूंग की, पीले मूंग की जो दाल होती है वो बना रही हूँ, सिर्फ सिंपल सी दाल बना रही हूँ, नहीं तो मैं कभी कभी तो मिक्स बनाती हूँ, लेकिन यहाँ मैं बिल्कुल सिंपल सी दाल बना रही हूँ। तो फिर यहाँ दाल बनाते बनाते ना, तो घर वाले बोलते थे आज रोटी मत बनाना, ऐसे करना तुम कि ना चावल बना दे दाल के साथ। तो फिर यहाँ पे मेरे को सोचा चलो दाल चावल रखे पड़े हैं तो थोड़े से, तो वो मिक्स करके बना देती हूँ। तो यहाँ मैंने फटाफट से कढ़ाई चढ़ाई, फिर मैंने डाला इसमें पानी, तीन चार लोटे पानी डालकर, और पानी को गर्म होने के लिए रख दिया। उसके बाद मैंने डाले यहाँ पर चावल, थक जाती हूँ ना वॉइस ओवर करते करते, ये मैंने इतना चावल इतने पड़े थे, हमारे ना सामान इकट्ठा नहीं आता एक महीने का राशन, पापा की आदत है ना थोड़ा थोड़ा सामान लेके आते, कहते इलियाँ पड़ जाती है ख़राब हो जाता है, इसलिए ना थोड़ा थोड़ा लेके आते हैं। तो यहाँ ना चावल थोड़े से छोटे वाले चावल थे वो कम रह गए, तो फिर यहाँ पे सैला चावल आए थे, थोड़े से अलग से दिख रहे आपको कलर में, तो फिर मैंने दोनों को मिक्स करके बना दिया। मैंने कहा इतने चावल तो कम रहेंगे, अब चार पाँच बंदों के लिए बना रहे हैं तो इतने चावल तो बनते ही हैं। तो फिर मैंने यहाँ पे सैला चावल मिक्स करके इसको अच्छे से धोकर और मतलब उबलते हुए पानी में डाल दिया। अब डालना था बस नमक की बारी थी, बाकी मैंने सोचा इसको फटाफट से बनाकर दाल, एक पे दाल बनती रहेगी और एक पे चावल बन जाएंगे। तो यहाँ मैंने फटाफट चावल चढ़ा दिए और दाल भी चढ़ा दी, अभी दोनों पक रहे हैं, इतने मिनट में मैंने फटाफट से बर्तन कर लेती हूँ। ऐसे नहीं है बर्तन नहीं करती हूँ, दोपहर में भी कर लेती हूँ, पर जैसे मेरे को टाइम मिलता है उस हिसाब से कर लेती हूँ। आज मुझे टाइम नहीं मिला था क्योंकि आज काम ज़्यादा था वीडियो का उस वजह से, और मैं आपको बताइए मैंने बताया था आपको मैं काफ़ी दिनों मतलब आपने ना हॉस्पिटल जाना है मुझे हैदराबाद के, तो मैं आगे आपको जब मेरे बढ़िया बढ़िया व्लॉग आएंगे तो आप उनको देख लेना। यहाँ मैं बर्तन बर्तन साफ करके और बना रही थी दाल, दाल तो मेरी बन गई थी, फिर मैं सोचा ऊपर से धनिया डाल देती हूँ, और यहाँ चावल भी बनकर मतलब पककर रेडी थे। फिर ना सुबह वाला आटा पड़ा था तो मैंने सोचा उसको भी ना बना ही देती हूँ, जो खाएगा वो खा लेगा, नहीं तो डोगी को डाल देंगे, है ना। तो यहाँ मैंने दो तीन रोटियाँ पकाई फटाफट से और मेरा खाना वगैरह सारा कुछ हो गया है। आपको मेरा छोटा सा व्लॉग कैसा लगा कमेंट